आया बंदा मिठाई स्पेशल। और ये चाबियां मेरे हाथ में आ गई, तो चलो दिखा देते हैं सबसे। तो भाई ये रहा अपना जहाज और सब चीज, ये वाली चीज देख रहे हो भाई, बरनाला से गिफ्ट आया था। हाँ, मुझे भी तो भाई ने, सेठी भाई ने गिफ्ट किया था। तो और भाई ये वाली हमें बरनाला से आया था, तब सरंद में आया। ये वाली एक नंबर चीज लिखाई आपने, ये गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज काफी टाइम बाद सोचा यार व्लॉग कर ही लेते हैं, क्योंकि भाई सभी भाइयों को तो रीज़न पता ही है भाई, जैसे कि घर की प्रॉब्लम्स हैं भाई, अब क्या ही करें, जिस हालत में रब रखे उसमें रहना ही पड़ता है, ये सब रब की आजमाइश है भाई। तो चलो कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, फिर भी कंटिन्यू भाई रखेंगे, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो अपनी फैमिली, अपने माँ बाप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइज, आप समझ भी सकते हो। चलो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, और अभी अपनी लोकेशन है सिद्रा में, सिद्रा में आगे छोटी गाड़ी निकाली बाहर। तो गाइज सोचा आज थोड़े फ्री हैं, क्योंकि मामा को शाम को हॉस्पिटल लेना पड़ेगा, उससे पहले भाई फ्री हैं, तो सोचा यार आज चलते हैं कहीं, और आपको कुछ न्यू चीज़ आई अपने लिए, वो आपको भी दिखाएंगे गाइज। तो चलो निकलते हैं भाई, और सीधा पहुंचते हैं अपने चाचू के पास भाई, आपको दिखा बता ही देते हैं अपने FTC चाचू, अपने चाचू के पास चलते हैं भाई, क्योंकि चाचू ने 14 चक्का न्यू लिया है। तो चाचू को मुबारकबाद दे देते गाइज, क्योंकि भाई खुशी का टाइम है भाई, चाचू की खुशी का टाइम है, और चाचू की खुशी में मैं शामिल ना हूँ ऐसा हो नहीं सकता भाई। तो चलो गाइज यहाँ से चलते हैं सीधा अपने चाचू के पास। अभी चाचू को मैंने नहीं बोला कि मैं आ रहा हूँ उनकी तरफ, क्योंकि चाचू को पता है मैं जम्मू में हूँ, लेकिन चाचू को ये नहीं पता कि मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ आज, क्योंकि भाई मैंने देखा चाचू की गाड़ी अभी खड़ी है, और मेरी बात हुई थी कल चाचू से, चाचू ने बोला गाड़ी को अभी नंबर नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो चलो उससे पहले चाचू की गाड़ी वहाँ पर, चाचू से मिल के आते हैं और चाचू की गाड़ी भी दिखाएंगे आपको। तो गाइज फाइनली अपने छन्नी वाली रोड कर ली पार भाई, और यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट टर्न, क्योंकि भाई यहाँ से चाचू के घर का रास्ता, जिन भाइयों का नहीं पता, जिनको चाचू से मिलना है भाई, देख रहे हो यहाँ रहा अपना, देख रहे हो गुडियर टायर का स्टोर, यहाँ से टर्न ले लेना और यहाँ से हो जाना लेफ्ट गाइज, तो सीधा चाचू के घर भाई। गाइज फाइनली पहुँचने वाले चाचू के पास भाई, और यहाँ ले ली मिठाई भाई, कुछ ज्यादा नहीं मिला फिर भी चलो मिठाई। तो गाइज फाइनली पहुंच चुके चाचू की पार्किंग में, और चाचू का घर भी साथ में, और भाई यहां देख रहे हो चाचू की पार्किंग, इस दीवार से अंदर चाचू की पार्किंग है, और वहां अल्ताफ भाई की स्कॉर्पियो खड़ी है। तो गाइज चलो पहले चाचू को फोन लगाते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं चाचू कहां पे हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू कहां पे हो? मैं डैम पे हूं। पार्किंग में? पार्किंग में। हाँ जी पार्किंग में। पार्किंग में हो, चलो ठीक है ठीक है। गाड़ी यहीं पे? हाँ गाड़ी तो अपनी गाड़ी, कोई बात नहीं। तो गाइस चाचू तो अंदर है, चाचू शॉक हो जाएंगे, ये कहाँ से आ गया बंदा। चलो जी तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपने पार्किंग में भाई, देख रहे हो कहां पे है मेरे दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई जान? खैरियत से? ठीक बढ़िया। और ये रहे अपने हाजी, बोलूं क्या? हाजी बोलो। अभी हाजी बोल रहे हैं। और सब खैरियत? कहाँ था जुम्मन? नहीं इधर ही बस, आपको पता भी है ना। और यहाँ रहे अपने छोटे चाचू। ठीक है ठीक है। क्या हाल है? बस ठीक। मुझे एक बात बताओ आज राज की, इस बंदे का फोन बड़ा बिजी आता है, ये पता नहीं क्या चक्कर है, क्या सीन है? शराब है भाई, काम करने वाले बंदे हैं कभी किसी। और डैम्प के मालिक साहब, क्या हाल है भाई? ये बंदा ना देखो इतने अच्छे पैसे कमा रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ियों का शौक क्या है यार चाचू, क्या इसको समझाओ यार बंदे को। गाड़ी वाड़ी देखो क्या कर रहे हो भाई, फोन कर रहे यार, चेक कर रहा था कैसी है। अरे भाई काम ही यही है, तो फिर गाड़ी चेक करनी है और करना क्या है। और मुबारकें, मुंह मीठा मैं करवाऊं या आप करवा दो, आप बाहर से आप आ रहे हो देख रहे भाई। और ये वाले उस्ताद जी मेरे साथ ही गए थे उस दिन, आपके साथ ही गए थे राजस्थान इन्हीं के लिए तो मैं बोल रहा था उस दिन। तो गाइस चलो पहले चाचू से बातें बातें कर लेते हैं। इश्तियाक भाई यहाँ आगे, वहाँ चाचू आगे, उस्ताद जी आगे,
और वहाँ भी भाई बैठे हुए हैं, तो इनसे कर लेते हैं बातें। तो गैस काफी बातें वगैरह कर ली और चाचू का मुंह भी मीठा कर लिया, ठीक है, ये लोग गाड़ी खोल के, क्योंकि भाई देखो खुशी गमी लगी रहती है मुझे, घर में प्रॉब्लम्स हैं लेकिन फिर भी अपने चाचू की खुशी मेरी खुशी। डब्बा लेके आया बंदा मिठाई स्पेशल, और ये चाबियां मेरे हाथ में आ गई, तो चलो दिखा देते हैं। सबसे पहले जिन भाइयों ने नहीं देखी, काफी भाइयों ने तो चाचू के चैनल पर देखी होगी FTC 0063, डिटेल से नहीं देखी किसी ने भी, हाँ लेकिन भाई मत देखा करो इनके चैनल पर, हमारे चैनल पर देखा करो, मुक्की मारूंगा। तो भाई चलो इधर से खोले उधर से, तो गाइस पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं फिर बाहर, पहले बाहर से दिखा देते हैं। चले हाँ, तो गाइस ये रहा चाचू का जहाज, हाँ देख रहे हो, सबसे पहले दिखा देते हैं भाई, ये है 14 टायर, सब भाइयों को पता भी होगा, काफी भाइयों ने नहीं पता उनको भी दिखा देते हैं। अभी नंबर नहीं आया भाई, यहाँ प्लेट यहाँ लगेगी ना, आ गया क्या लगा, और भाई देख रहे हो यार मेरे, देखो देख ये भी लगा दिया यार, ये कौन सा तरीका है, देखे तो क्या चीजें नहीं है, अब तो बोलेगा स्टेयरिंग भी मेरे देख देख लगाया था। ये देख रहे हो गाइस पहले ही बंदा सच्चाई बोल रहा है, तो भाई ये देख रहे हो यहाँ चाचू ने फॉग लाइट, व्हाइट कलर है ये, व्हाइट चार कलर है, अरे इनमें भी ये सही रहती है क्योंकि चलान है इनका, इनके ऊपर कवर है नहीं, जरूरत नहीं भाई इनका चलान भी है, लेकिन चलो हम चलान, जब चलान की बात आएगी तो क्या क्या निकलेगा, एंट्री दे देंगे तब। तो गाइस देख रहे हो यहाँ ये वाली देख रहे हो, और सबसे बड़ी बात चाचू की गाड़ियों का कलर यही होता है हमेशा, इसका भी देख लो ये कौन सा मॉडल है, 18 मॉडल का भी यही है, देख रहे हो सारी गाड़ियाँ, मतलब जो भी इनकी गाड़ियाँ आएंगी ना उनका कलर यही आएगा, यही तो अपना जो 14 चक्काना वाला उसका कलर भी यही होगा अगर रब ने चाहा तो, उसका चैनल का भी कर दो, हाँ और क्या क्या भाई चाचू मेरा गरीब है यार कुछ नहीं होता, सब्सक्राइब कर दो, ये देख लो अभी सर्च करो भाई, जितना सर्च में लाओगे ना उतना चाचू का चैनल ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। तो भाई देख रहे हो बाकी सेम पीटरबिल्ट, उस पर भी पीटरबिल्ट, और बाकी जो जो लिखा है ना सेम लिखा है ना, सेम या ना, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी की ना मतलब मेन जो सबसे मेन मार्क है ना ये रहा अपना FTC, देख रहे हो, हाँ तो गाड़ी का ये मॉडल है ना इसका, बता ली 25C, ये BS6 है भाई, 4 तो बंद होगी, और चाचू ने हारन यहीं डाले हैं, ये सबसे सही जगह है, और भाई BS6 गाड़ी की सबसे मतलब जो है ना सबसे खतरे वाली बात जो ये वायरिंग वगैरह होती है ना, इसकी बहुत सारी तार है, पता नहीं चलता कौन सी क्या टूट जाए क्या हो जाए। तो गाइस उसके बाद दिखा देते हैं सेम आगे वही लिखा मिरर चाचू ने वही सेम लगाए हुए हैं, और सबसे मतलब जो मुझे खराब चीज़ लगी, चाचू बुरा नहीं मानेंगे, ये वाले व्हील कप ये डालने ही नहीं थे, पैसे दे दो, क्या पैसे दे दो, 6 मतलब कितनी जोड़ी, 1, 2, 3 जोड़ी के पैसे, चलो यूट्यूब पे पेमेंट आ जाए तो सब के सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ ये 6 व्हील कप मैं दूंगा, ठीक है हो गई बात, हाँ तो भाई देख रहे हो पीछे कलर भी वही है सेम, अभी चाचू ने चलाई नहीं, और लिफ्ट पे टायर चाचू साथ वाले हैं, ये उतार दो, नहीं उतार नहीं, अरे ये उतार दो ना, गाड़ी तो और डैल खराब होती है, चलो डैल की बात कर रहे हो, और यहाँ इंडिकेटर देख रहे हो दूसरे वाले लगाए, अरे ये वाले उड़ जाते हैं, और क्या बात है क्या बात है, अमीर लोग भाई देख रहे हो ये वाली चीज ना हम फ्रंट पे लगाते हैं, चाचू ने यहाँ पे लगाई, हाँ और ये वाले बिल्कुल अपना एक नंबर है, ये सही है, इनमें हवा लगती रहती है, और भाई कलर देख रहे हो ना ये वाले भी और ये वाला भी बिल्कुल सेम है, देख रहे हो, और यहाँ चाचू ने लगाया हाथ धोने के लिए पानी, पानी यार चाचू ये उल्टी कैसे होगी, ये लड़के ने कर दी, एक पंगे ले रहा था ना, ये कनाडा लगा, देख यहाँ कनाडा फ्लाइट, और ये वाली चीज चाचू ने लगा ली, लेकिन मुझे लगता है यहाँ बोल्ट ढीले, अभी बहुत कुछ कसने वाला है यार, और उसके बाद चाचू ने तिरपाल वगैरह बिछा दिया, चेक कर रहा था गाड़ी, देख रहे हो गाइस दोनों तिरपाल, दो तो भाई अंदर से अभी कुछ नहीं डाला, चाचू कुछ लोड नहीं किया अभी, ना ना भाई देख रहे हो कितनी लंबी गाड़ी है, कितनी लंबी है ये 30 फुट, काफी भाई पूछेंगे कमेंट करके राजा भाई गाड़ी कितने फुट है, कितनी फुट है, 30 फुट ही है ना, और भाई पीछे सैंपल बिल्कुल, मैं अपने बादशाह को ना बिल्कुल सैंपल ही कर दूंगा भाई, देख रहे हो यहाँ सिर्फ ब्लो हॉर्न रखा है और डाले पे कलर, और पीछे रेडियम जो भी है ओरिजिनल की है चाचू ने, सेम बस सेम ही कर दूंगा मैं अपना, नहीं नहीं ठीक है ऐसे ही, और भाई यहाँ देख रहे हो ओरिजिनल वाली रेडियम, जो भाई रेडियम करवा रहे हैं ना भाई ज्यादा मत करो, यही वाली करो ओरिजिनल वाली, हाँ क्या जी बेंगलोर, हाँ भाई और ये रहा अपना मार्का बेंगलोर एक्सप्रेस, क्योंकि चाचू और मेरी लाइन स्पेशल कौन सी है ना, बैंक साउथ लाइन, फेवरेट साउथ लाइन, देख रहे हो भाई 14 चक्का लोग लेके ना आसाम और कलकत्ता लाइन ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन चाचू आज भी बोल रहे हैं कहाँ जाना है आपने, बैंगलोर, ओनली बैंगलोर भाई, सुजैन भाई को मिलेंगे जाके, वो अपना भाई है यार वो बहुत ख्याल रखता है, और यहाँ अपने भारत का झंडा उतरवा दिया चाचू ने, और ये वाली चीज देख रहे हो भाई यहाँ फिर से इंडिकेटर, चाचू ये 3 इंडिकेटर की है सेंटर में, गाड़ी लंबी है भाई, भाई देख रहे हो ये वाले इंडिकेटर ना मस्ट इसमें जरूरी है, पता भी चलना चाहिए, और यहाँ चाचू ने ये स्टील वाला लगा दिया, उसके बाद ना ये वाली चीज काफी भाई पूछते हैं राजा भाई ये वाली चीज क्यों, कह जाता ऐसा होता है ना रात को जब गाड़ी की लाइट वगैरह पड़ती है ना ये वाली चीज में चमक आती है, दिखता है कि गाड़ी जा रही है, यहाँ भी इंडिकेटर चाचू ने लगाए और वहाँ भी, अब चाचू ये वाली चीज मुझे आपकी कॉपी करनी पड़ेगी, कौन सी ये वाली, हाँ वहाँ भी हमने चीज वो लगाई है जो मतलब काम की है, हाँ हाँ काम की, ये काम की है, और अपना वही FTC वाला मार्का इस पे, बाकी देख रहे हो सेम ही है साइड से भी,
और चाचू ने ये वाली चेन इसलिए बांधी है भाई क्योंकि ये ना टायर को साफ रखती है। ये सही है, सिंपल लगा दी। और चाचू ने टैंकी तो चलान है डबल का, लेकिन फिर भी लगवाई। चलान जब चलान पे बात आई तो बहुत सारे चलान होंगे। तो गाइस पुराने वाली जो मतलब ये वाली चाचू की गाड़ी है ना, इसके बाद जो अब नया वाला एक और मॉडल है उसका ये वाला साइलेंसर नहीं है, ये वाला नीचे कर दिया और ये चाचू का सेंटर में, चाचू ने दिखाया ही है पहले से। तो भाई ये रही कुछ, देख रहे हो सारी डेकोरेशन वगैरह जो भी है, चाचू ने तरपाल रस्सा सब कुछ डाल के रख दिया। तो भाई अब ये चीज़ भी दिखा देते हैं। अब काफ़ी भाई मुझे पूछा कि गाड़ी किसने बनाई, ये देख रहे हो बाबा बीरम दास, और यहाँ इनका ये फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है सब लिखा हुआ है, सही है ना। और ये वाला बंदा ऐसा पक्का बंदा है, मतलब जो भी आज दिन तक चाचू की जो भी गाड़ियाँ बनती है ना यही बंदा बनवाता है ये। तो चलो उस साइड से चलो भाई खोल देते हैं, आप गाड़ी अंदर से दिखा देते हैं आपको। चलो जी, तो भाई ये रहा अपना जहाज। वो सबसे पहले एक बात सब भाइयों को बोलूंगा, भाई चाचू यार कॉपी क्यों करते रहते हैं मेरी हर चीज की, मुझे ये इस बात की अब चाचू ये बोलेंगे भाई सबसे पहले व्लॉग में मैंने ही बोला था और तूने मेरे से पहले डाल दिया, ये कौन सी बड़ी मैं निकाल के दिखाऊं व्लॉग अपना ये वाली चीज देख रहे हो भाई, बरनाला से गिफ्ट आया था। हाँ, मुझे भी तो भाई ने सेठी भाई ने गिफ्ट किया था। तो और भाई ये वाली हमें बरनाला से आया था तब सरंद में आया। ये वाली एक नंबर चीज लिखाई आपने, ये बिल्कुल हाँ ये वाली चीज एक नंबर है, देख रहे हो गाइस ये ना बहुत ही प्यारा लगता है। और दूसरी बात एक चीज है, 14 चक्के में देख रहे हो चाचू आपकी सीटें ऊपर क्यों लग रही है, ऊपर ऊपर है हाँ, मतलब लग रहा है ऊंची जगह हो क्योंकि बाकी गाड़ी में नीचे होते हैं ना ऐसे देखते हैं भाई, देख रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे मैं घोड़े में बैठ गया हूँ आके। और गाइज ये वाली चीज ना मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगी, ये वाली मतलब काफी भाई गाड़ियां बनवा रहे हैं ना भाई, ये वाली चीज लगा लो चाचू, कहीं से स्विच वगैरह ऑन होगा लाइट वगैरह, लाइट का हाँ स्विच नई जगह आए आपकी तरह। ओए होए 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 क्या बात है, क्या बात है गाइज ये वाली चीज देख रहे हो। चलो सारियां जला लेते, जगह जगह अभी हो रहा है भाई देख रहे हो, ये वाली चीज चाचू ने यहाँ यहाँ भी लाइटें डाली हैं, यहाँ भी यहाँ पे माशाल्लाह ये वाली चीज देख रहे हो भाई। चाचू ये वाला नया आया ना, ये नया आया। तो भाई देख रहे हो ये वाली मतलब यहाँ ना बिल्कुल यूनिक चीज चाचू ने लगाई, सबसे यूनिक माशाल्लाह। और यहाँ पे चाचू ने ये वाली लाइट डाल ली, मैंने यहाँ पे डाली हुई चाचू ने यहाँ पे, ये वाली चीज सबसे बेस्ट चाचू ने की ऊपर ने डाली, और वहाँ पे देख रहे हो वो लाइटें व्हाइट भी हैं और ये ऐसे कलर भी, खाना खाना बनाने के काम, खाना वाना जब बनाएंगे वहाँ रखेंगे फिर। और बाकी चाचू ने ये वाली लाइट, चाचू ये 24 वोल्ट नहीं 12 वोल्ट है, ये उड़ जाएगी, नहीं उड़ेगी 12 वोल्ट में लगाई है, अरे मेरे एक कार वाली है भाई गारंटी है इसकी, उड़ेगी वापस जाएगी। अरे मेरे पे उड़ गई थी मेरी, आपने कहाँ लगाई, वो आपने वो दूसरी लगाई होगी, ये चीज नहीं लगाई है, ये वाली चीज देख रहे हो, ये वाली चीज तो अब मैं भी लगाने वाला हूँ चाचू, सॉरी उसके लिए मैं आपकी काफी कर रहा हूँ चाचू, भतीजे की एक ही बात है यार। और वहाँ देख रहे हो चाचू ने फर्स्ट साइड है, वहाँ पे यहाँ देख रहे हो चाचू ने कैसे फर्स्ट साइड, क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है भाई, देख रहे हो इस गाड़ी की ना पूरी कॉपी होगी, कैबिन की पूरी कॉपी होगी भाई, ये देखो अरे क्या बात है, ये ऑटोमेटिक खुल रहा है, ये वाली चीज देख रहे हो, एक मिनट छोड़ो देख रहे हो ये ऑटोमेटिक, क्या बात है, क्या बात है, ये सबसे अच्छी बात चाचू ने ये मतलब ये ऐसे लगाया, क्योंकि भाई अगर ऊपर हम लगाते हैं ना तो वो बाद में खड़ 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 करना लगता है, मतलब खड़क जाता है ये है। और सबसे बड़ी बात जब लाइट रात को होगी ना तब ये लाइट ना पूरा कैबिन ही ग्रीन दिखता है भाई। और ये वाली चीज चाचू ये वाली चीज क्यों लगाते हैं, चूड़ियों अच्छा लगता है यार, हाँ ये देख रहे हो। और यहाँ भी लाइटें लगा दी गाइस, ये थी कुछ गाड़ी चाचू की। और उसके बाद ना ये वाली चीज देख रहे हो, यहाँ ग्लास मतलब चाय वगैरह अगर पियेंगे ना तो यहाँ ग्लास वगैरह रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपना लीवर आ गया, ये भी मजे वाला है, सबसे बड़ी बात है ये स्विच किसी भी गाड़ी ये किसी भी ना किसी भी गाड़ी में आज दिन तक यहाँ स्विच नहीं लगे, ये चाचू ने फर्स्ट गाड़ी अपनी जो जम्मू में आ रही है इसमें जो स्विच यहाँ पे लगे हुए, क्योंकि क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे लगाए हुए सारे, यहाँ पे जो भी गाड़ी वाला लगा या यहाँ पे लगाते हैं या यहाँ पे, चाचू ने आज कुछ अलग ही सोचा। और चाचू जब अपना 14 चक्का आएगा, आज मैं बोल ही देता हूँ 14 चक्का लेना ही लेना भाई, जब भी लूंगा। और ये वाली चीज यहाँ ही लगाएंगे सारी कॉपी, और कैबिन की लकड़ी यही लगाएंगे भाई सबसे और अच्छी, और चार्जर हमारा अंडरग्राउंड रहता है, देख रहे हो भाई चार्जर कहाँ लगा और ब्लोर वगैरह उठा दिया मैंने निकाल दिया, हाँ ब्लोर वगैरह उसका फायदा नहीं है कुछ नहीं है। तो यह देख रहे हो चाचू ने ये चार्जर वगैरह यहाँ, ठीक है चोरी भी नहीं होती यहाँ पे आराम, ये क्या
मैग्नेट है इसमें? मैग्नेट में। क्या बात है, क्या बात है यार। स्टीरियो चाचू ने यहाँ पे रखा हुआ है, टच स्क्रीन सिस्टम डाला नहीं, सबसे अच्छी बात की। अगर हम इसको कुंडियां लगाएंगे तो वो भी काम नहीं ना चलेगा, कपड़ा मारने में बहुत तकलीफ रहती है। चाचू ये बात में डीला नहीं, इसमें भी मैग्नेट है, मतलब भाई मैग्नेट है इसमें, देख रहे हो हर चीज मैग्नेट वाली। और उसके बाद चाचू ने ये यहाँ रख दिया, यहाँ कुछ चाबी वगैरह, कोई सामान वगैरह कुछ भी रखने हो। और ये क्या रख दिया? कौन सा? ये हारन, ये प्रेशर हारन का यहाँ पे लगा दिया चाचू ने, प्रेशर हारन का यहाँ पे लगा दिया, देख रहे हो सबसे सही चीज। और दूसरी बात ये चाबी यहीं लगी हुई है गाइस, और आपको दिखा देते हैं। बंद करो ये, चलो भाई मीटर देख रहे हो, मीटर सेम ही है बिल्कुल। यहाँ आ गया तेल का, और ये आ गया इंजन स्पीड, ये आ गया डेफ का, और ये आ गया प्रेशर का, और उसके बाद ना ये टेम्परेचर हुई, और ये स्पीड सही है। कहाँ से? जम्मू में एक ही है जिसको सबसे यूनिक फिटिंग वगैरह हुई है। तो गाइस चलो पहले ये बंद कर देते हैं, लाइटें वगैरह जो भी है सब बंद कर देते हैं। इधर बॉक्स भी एक ही रखा है, ये बॉक्स सबसे अच्छी बात ये भी है। ये देख रहे हो बॉक्स, क्योंकि यार वो ज्यादा ना वो अजीब सा लगता है। वहाँ क्या रखा है ये वाला? ये मतलब अंदर सामान रखने के लिए जगह है। अपने बर्तन वगैरह कहाँ रखेंगे? बर्तन के लिए तो बहुत जगह है। हाँ। तो भाई बर्तन की जगह देख रहे हो, अगर कुकर वगैरह कुछ भी डालेंगे ना तो यहाँ पे डालेंगे। और चाचू ने लाइटें भी यहाँ ऊपर डाली हुई है। कितनी डाली है लाइटें? हाँ यहाँ देख रहे हो भाई, यहाँ बर्तन वगैरह यहाँ आ जाएंगे। और किचन वगैरह अपनी वहीं है, किचन वहीं है ना चाचू, देख रहे हो गाइस। और यहाँ ना चाचू ने ठीक किया, यहाँ कुछ भी नहीं किया, टोटली यहाँ कुछ भी नहीं किया यार। पता क्या, ट्राला डालने बहुत सारे बोल रहे थे, ट्राला डालने से फीका पड़ जाता है, जैसे आपने दो बार डाल दिया। नहीं नहीं वो पहला मेरा टूट गया था ना, टूट गया, पर फिर भी फीका पड़ जाता है मतलब अगर। हाँ एक और गाइस, मतलब शौक होती है बंदे को हर, मैं ये चीज लगाऊं, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा आज के टाइम पे ना ये वाली चीज है ना सिंपल बेकार है बिल्कुल लगाना। चाचू ने जैसे सिंपल गाड़ी रखी है, सिंपल ही एक देखो ये तीन छती आ गई, तीन बग, एक दो तीन हमारे, मेरी में पांच है। और भाई ये वाली चीजें साफ करने में ना दिक्कत, बंदे को इतनी दिक्कत, और बंदा थक ही जाता है, बोझ जाता है, थक जाता है। तो इसको सिंपल मतलब बर्बली जैसे मतलब कपड़ा मार दो तब भी साफ रहेगी। तो गाइस ऐसी वाली गाड़ी आपने कभी देखी ही नहीं की, और ना चाचू ने इतने यूनिक और बारीकी से दिखाया कि अपना आज दिन तक नहीं चाचू ने दिखाया मुझे लगता है। तो मेरा ये मकसद है, क्योंकि काफी कमेंट आ रहे हैं काफी, राजा भाई कौन सी गाड़ी लूं, कौन सी गाड़ी, भाई वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कौन सी गाड़ी लो। चाचू ने 14 चक्का लिया, अब चाचू और मेरी यही बात चल रही थी, क्योंकि मेरी और चाचू की बात हुई थी पहले, हम बैठ के हमने डिसाइड किया था कौन सी। चाचू ने बोला जो मैं गाड़ी उठाऊंगा आप भी वही उठा लेना। तो भाई देख रहे हैं अभी, चाचू बोल रहे कि आप एक काम करो, अपने बादशाह उसको सेल कर दो, उसके बाद ना गाड़ी एक ही रखो। हाँ वो ये बात भी ठीक होती है कि एक गाड़ी एक ही हाथ में ज्यादा नहीं, उसमें मजे में रहता है। और भाई बाहर जाने का था मेरा प्लान, लेकिन क्या ही करें यार, अब घर में हालात ठीक नहीं है, मम्मा भी ठीक नहीं रहते, और घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, छोटा भाई है उसको पता ही नहीं चलता किसी चीज का भी। तो चलो देख रहे हैं अपनी गाड़ी कब तक आ रही है, जब भी आएगी आपके लिए सरप्राइज रहेगा, और सबसे पहले चाचू को ही पता चलेगा, क्योंकि गाड़ी इन्होंने उठानी है, चेसी इन्होंने उठानी है। तो गाइस फायर का लगा के रखा है, और फायर का कहाँ? अरे यार क्या यूनिक कसम से, देखो भाई फायर वाला मैंने यहाँ लगा के रखा है, एक यहाँ एक वहाँ, वो पुराना हो गया। चाचू ने देखो यहाँ फायर, और कितनी जगह है, सीट वगैरह पीछे भी हो जाती है, ये लो मैटिंग देख लो पूरा की है, और मैटिंग पूरी ऑल ओवर। चाचू गर्दा वगैरह नहीं आता क्या? बिल्कुल बारीकी से सराख बंद करवाए हैं, देख रहे हो ये सारी चाचू ने, मतलब जो भी है ना बाहर से धूल वूल उड़ने का कहीं मतलब नहीं, चाचू ने मतलब पूरी गाड़ी एकदम वो बंद कर दिया, क्योंकि भाई एसी भी कभी कभी डालने की स्कीम हो सकती है चाचू, कभी कभी डालने की अभी स्कीम है। चाचू ने मतलब गाड़ी क्यों सारी बंद करवा दी, मतलब कहीं कुछ फर्क नहीं छोड़ा, क्योंकि एसी लगाना है भाई। देखेंगे गर्मी में वैसे भी गाड़ियां नहीं चलती, और बारी अपनी यही है बंद वाली, क्योंकि भाई ना जब कुछ चोरी वगैरह होती है तो दूसरी बारी बंद नहीं होती, और उससे धूल वगैरह सारा कुछ अंदर आ जाता है, तो लगी रहती है। आज खुशी का टाइम है, चाचू के पास आए मुबारकबाद देने। चाचू कोई और आया? नहीं, किसने फोन किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं किया, किसी ने फोन नहीं किया। भाई यही टाइम होता है, देखो अगर किसी की तरक्की से जलो मत यार, खुश रहो, देखो अगर आप खुश रहोगे ना वो रब आपको खुश रखेगा, बिल्कुल। तो भाई यही थी अपनी गाड़ी, चलो अब थंबनेल के लिए पिक्स वगैरह उठा लेते चाचू के साथ, तो फिर यहाँ से निकलेंगे। तो भाई आ गया अपना टाइम यहाँ से निकलने का, तो भाई ठीक है फिर। चाचू कहाँ गए? चाचू वहाँ गाड़ी पे चले गए। तो गाइस चलो यहाँ से निकलते हैं भाई, क्योंकि 4 बजने वाले हैं भाई, और मामा को हॉस्पिटल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई टाइमिंग है अपनी 4 बजे हॉस्पिटल की, वहाँ भी मामा की रेडिएशन वगैरह चलती है गाइस। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, और वहाँ रही चाचू की, ठीक है चाचू? ठीक है, ठीक है।
मिलेंगे फिर। हाँ तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं सिद्रा और अभी टाइम हो रहा है शाम के 3:30 भाई। अब मामा को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा गाइस। तो गाइस साथों साथ इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मन शेयर सब्सक्राइब कर देना।